अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? आज हम जो है उबेर सजेस्ट के ट्यूटोरियल में आज हम फ्री अकाउंट बनाना सीखेंगे और फ्री अकाउंट के बेनिफिट्स देखेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने जो है विदाउट लॉगिन, विदाउट क्रिएटिंग ए फ्री अकाउंट, बगैर फ्री अकाउंट बनाए हमने जो है उबेर सजेस्ट से जितने फ़ायदे हासिल कर सकते हैं वो देख लिए थे, और आज के वीडियो में जो है हम अकाउंट बनाएंगे। तो बगैर किसी ताखिर के, बगैर जो है लेट किए हम हमारा अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। आप उबेर सजेस्ट के होम पेज पर अगर आएंगे app.neelpatel.com/en/ubersuggest, तो यहाँ आपको राइट साइड पर ऑप्शन होगा क्रिएट ए फ्री अकाउंट एंड गेट मोर कीवर्ड सजेशंस, डेली रैंक ट्रैकिंग, पर्सनलाइज SEO सजेशन। तो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट फ्री अकाउंट पर। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ पर जो है उबेर सजेस्ट की तरफ से जो है फॉर्म आ गया है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और या नहीं तो जो है दूसरा तरीका जो है कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिस तरह आप दूसरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स यूज़ करते हैं वैसे ही जो है उबेर सजेस्ट का है। तो मैं क्या करता हूँ जो है कि कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमको हमारी वेबसाइट का नेम देना है। तो सपोज मैं वेबसाइट का नेम दे रहा हूँ farhanbajrai.com। नेक्स्ट इंग्लिश है, इंडिया जगह सेलेक्ट कर लें, इंडिया हो गया, इंग्लिश और इंडिया हो गया। स्टार्ट 7 डे फ्री ट्रायल टू ऐड मोर लोकेशंस, फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे जो है ऐड कीवर्ड्स You currently rank for, paste keywords। ठीक है, यहाँ पर keywords जो है SEO expert in India, SEO consultant in India, SEO services in India, ठीक है, digital marketing service in India। सपोज जो है आपके जो भी हैं आप वो लोग कीवर्ड्स ऐड करें, या आपके पास पहले से वो तो जो है CSV फाइल से जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट 7 डे फ्री ट्रैक मोर देन 25 कीवर्ड्स, तो 25 कीवर्ड्स से ज़्यादा जो है आप फ्री ट्रायल 7 डे फ्री ट्रायल यूज शुरू करेंगे तो कर सकते हैं। इसको आप आगे भी जाकर एडिट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। सर्च इंजन कॉम्पिटिटर्स बिजनेस कॉम, ऐड कॉम्पिटिटर रैंकिंग फॉर सिमिलर कीवर्ड्स, वी कुड नॉट रिट्रीव, तो डेटा वो खुद रिट्रीव नहीं कर सके। तो मैं जो है डिजिटल दीपक सर का एक अकाउंट रखता हूँ, संजय शेनॉय सर का अकाउंट रखता हूँ, और डिजिटल स्कॉलर रखता हूँ, शायद .com है। ठीक है, You have reached the 2 competitor maximum, track up to 15 competitor plus SEO training and support, SEO tools। तो 7 day free trial को मैं क्लिक कर देता हूँ, और free for 7 days, then a monthly USD, start my free trial। तो आपको free trial के लिए यहाँ पर आपके data देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं अपने कार्ड का data नहीं देना चाह रहा हूँ, तो मैं back क्लिक करूँगा, और यहाँ फिर से मैं अपना डेटा दे रहा हूँ farhanbajrai.com इंडिया। ठीक है, कीवर्ड्स क्या हैं, SEO एक्सपर्ट इन इंडिया, SEO कंसल्टेंट इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन इंडिया। ठीक है, सपोज फिलहाल मैं 3 हैं, यहाँ 25 तक डाल सकते हैं आप कीवर्ड्स। फिर यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स में जो है डिजिटल दीपक .com, संजय शेनॉय .com, आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। डू यू वॉन्ट माई टीम टू ग्रो योर ट्रॉफी, बाई डिफॉल्ट येस पर होगा, यानी नील पटेल की जो है टीम, जो है NP डिजिटल टीम जो है वो आपको कॉन्टेक्ट करेगी अगर आप जो है येस करेंगे। तो मैं तो नो, मैं खुद करना चाह रहा हूं तो जो है मैं नो रखूंगा। यू आर डन, लेट्स ग्रो योर ट्रैफिक। चलो भाई, लॉग इन लिमिट रीच
looks like this account was signed in on another device, that device has been signed on, so you can, ये dismiss कर दीजिए. तो हम यहाँ पर sign in हो गए. तो देखिए ये हमारा डिजिटल फरहान बाजरे डॉट कॉम जो है डैशबोर्ड है. यहाँ पर प्रोजेक्ट है, ऐड प्रोजेक्ट करने के लिए जो है आपको 7 डे फ्री ट्रायल करना पड़ेगा. और उसके लिए अभी हमने देखा कि आपको जो है आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देनी है. तो वेलकम टू योर डैशबोर्ड बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन इन गूगल एंड एनालिसिस ऑफ योर साइट वी हैव प्रायोरिटाइज द टॉप एसईओ अपॉर्चुनिटीज. ओके गॉट इट. अब यहाँ पर जो है कनेक्ट विद गूगल, ठीक है. सर्च कंसोल से आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सर्च कंसोल से कनेक्ट कर देंगे. सर्च कंसोल से कनेक्ट करने के लिए आप उबर सजेस्ट को इजाज़त दे देंगे कि वो जो है गूगल से कनेक्ट हो. और कनेक्ट विथ एनालिटिक्स भी जो है ये लोड हो रहा है. देखिए तो जब आप गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर देंगे और साथ में गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर देंगे तो आपका डेटा क्या होगा, वो अपग्रेड होगा और जो है यूनिक आपका डेटा होगा, समझे. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. आप कौन से भी टूल को जो है AHREFs के भी जो है अगर आप वेबमास्टर टूल पर जाएंगे तो वो आपको गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करने के लिए कहेगा. तो इट इज बेटर टू कनेक्ट विद दोस टूल्स, ठीक है. कनेक्ट हो रहा है तो थोड़ी देर ठहर जाते हैं. चलिए भाई ये जो है थोड़ा टाइम ले रहा है तो आप ऐसे ही कनेक्ट करेंगे, कुछ इश्यू है शायद, तो मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है. और यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है. तो आपने जो वेबसाइट ऐड की है एज ए प्रोजेक्ट वो यहाँ शो होगा. हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर हैं, यहाँ पर भी शो होगा और यहाँ पर आप उसके बारे में जो है डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, ठीक है. और ऐड प्रोजेक्ट करना है तो आपको जो है प्लान चेंज करना पड़ेगा. तो फिलहाल हमारी एक वेबसाइट है, मेरा जाती प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम करना चाहूँ. तो सबसे पहले देखिए कि आप डैशबोर्ड आज समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है. टॉप एसईओ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं. दिस पेज हैज़ पोटेंशियल टू रैंक हायर फॉर द कीवर्ड कैट फनल. देखो भाई ये पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, तो जो बात ये सजेस्ट कर रहे हैं वो हो सकता है कि सही हो, लेकिन यूजर इंटेंट और आपका आर्टिकल उसके लायक है नहीं है, ये आपको सोचना पड़ेगा. तो कैट फनल कीवर्ड पर जो है अगर मैं मेरे इस पेज को एडिट करूं, आप क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर पेज ओपन हो जाएगा. तो ये मेरा आर्टिकल पूरा जो है 11 मस्ट नो थिंग्स अबाउट कंटेंट राइटिंग है, इसमें जो है कैट फनल को जो है मैंने बेस बनाया है. तो उबर सजेस्ट का कहना यह है कि अगर आप जो है इस आर्टिकल को थोड़ा एडिट कर लें, और एक्चुअली ये आर्टिकल भी क्या है टैग रैंक हो रहा है, तो जो है ये जो है हायर रैंक हो सकता है. तो मैं इसको देखूंगा कि जो है कि क्योंकि ये टैग था जो रैंक हो रहा है कैट फनल पर, तो मैं ये देखूंगा कि जो है कि मैं ये आर्टिकल को एडिट करूं या इसके अलावा और एक आर्टिकल बना लूं. तो नॉर्मली जो है सजेशन ये होता है कि एसईओ एक्सपर्ट की ज़रूरत यही पड़ती है. तो यहाँ पर आप इस टैग को एडिट करने के बजाय यहाँ पर आप एक आर्टिकल लिखेंगे कैट फनल के बारे में, व्हाट इज़ कैट फनल, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैट फनल, हाउ टू यूज़ कैट फनल, डिजिटल मार्केटिंग में उसकी क्या जगह है. इस तरीके से आप जो है कैट फनल के ऊपर आर्टिकल बनाएंगे तो आपके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं. दूसरी चीज जो यहां बताना कि न्यू कंटेंट, क्रिएट ए न्यू पीस ऑफ कंटेंट टू रैंक फॉर द कीवर्ड ड्रिप मार्केटिंग. तो ड्रिप मार्केटिंग पर जो है मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो इनकी तरफ से सजेशन प्रायोरिटी नंबर 2 पर सजेशन आ रहा है कि जो है आप ड्रिप मार्केटिंग पर अपना एक कंटेंट बनाएं, न्यू कंटेंट, ठीक है. हो गया तो मार्केट डन करना है, स्टार्ट करेंगे तो जो है ये AI राइटर पर ले जाएगा. फिर यहां कहना है SEO इश्यू प्रायोरिटी 3, 24 पेजेस हैव ए लो वर्ड काउंट, कि आपके 24 पेजेस ऐसे हैं जिसमें जो है वर्ड काउंट 200 वर्ड से भी कम है, तो उनको एडिट करना है. फिर फोर्थ नंबर पर जो है 4 पेजेस विद डुप्लीकेट टाइटल टैग्स. तो देखो डुप्लीकेट टाइटल टैग मैं इसलिए इससे पहले भी बताया हूं कि ये नहीं होना चाहिए. उसके बाद जो है नीचे आइए व्यू मोर अपॉर्चुनिटी से, फिलहाल आज हम नहीं करेंगे. और यहां पर जो है गूगल से क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पाया है तो मैं सर्च कंसोल और एनालिटिक्स से कनेक्ट कर लूंगा, उसके बाद ये डेटा पर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. फिर नीचे आ जाइए farhanbajre.com के बारे में जो है जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में यहाँ डैशबोर्ड पर ओवरव्यू दे रहा है कि इसके 1135 बैकलिंक्स है और ऑन पेज एसईओ जो है 79 है, ग्रेट. और उसके बाद जो है माई कॉम्पिटिटर्स जो है व्यू, 2 कॉम्पिटिटर्स हमने ऐड किए थे, तो व्यू कॉम्पिटिटर ट्रैकिंग पर अगर आप क्लिक कर देंगे
तो यहाँ पर जो है आपके कॉम्पिटिटर का डेटा आपको मिल जाएगा, पॉपअप हो रहा है, लोड हो रहा है, तो थोड़ा सबर कर लेंगे। देखिए हमारे दो कॉम्पिटिटर कौन थे, पिंक कलर में डिटेल दीपक डॉट कॉम है, लाइट ब्लू पर जो है संजय शेनाय डॉट कॉम है, और जो है ग्रीन फरहान बाजरे डॉट कॉम है। तो बिल्कुल जो है मैं कॉम्पिटिटर से अपने जिन कॉम्पिटिटर्स को रखा हूँ उनके मुकाबले में बिल्कुल ना के बराबर हूँ। तो उनका देखिए ग्राफ जो है माशाल्लाह तबारकल्ला ग्राफ है, और कॉमन कीवर्ड्स अगरचे मैं कॉम्पिटिटर पर ऐड किया हूँ लेकिन हमारे दरमियान कुछ भी कॉमन कीवर्ड नहीं है, और कीवर्ड्स गैप तो जो है 1386 कीवर्ड्स जो है डिटेल दीपक डॉट कॉम पर है, और 1408 जो है संजय शेनाय डॉट कॉम पर है। तो आप देख सकते हैं, देखकर जो है अगर सही में आपके ये कॉम्पिटिटर्स हैं तो इनके कंटेंट जिस टॉपिक पर ये लोग कंटेंट लिखे हैं आप भी उस पर लिख सकते हैं। सपोज जो है कंटेंट राइटर के ऊपर जो है संजय शेनाय सर का ये कंटेंट है, तो बिकम कंटेंट राइटर इन इंडिया, तो ऐसा कंटेंट जो है इसको देखकर जो है इंस्पायर होकर जो है आप कंटेंट लिख सकते हैं। तो ये आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस जगह पर आपसे अहेड हैं। चलिए तो फिर मैं थोड़ा बैक दबाता हूँ तो हमारे डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। आने के बाद जो है सबसे पहला काम आज के वीडियो में देखेंगे कि फिर ये रैंक ट्रैकिंग है ये क्या चीज़ है। तो रैंक ट्रैकिंग के लिए जो है अभी भी क्योंकि हम गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट नहीं है तो उतना डेटा हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा, और वी आर अनेबल टू रिट्रीव सम ऑफ योर कीवर्ड रैंकिंग डेटा फॉर दी सिलेक्टेड रेंज। तो ये जैसे जैसा आपका टाइम जाते जाएगा तो यहाँ पर बताएगा कि कितने कीवर्ड्स जो है पहले नीचे थे अब ऊपर आए, कीवर्ड्स मूव्ड अप, कितने कीवर्ड्स जो है मूव्ड डाउन, और कितने कीवर्ड्स अनचेंज हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर वो आपको जो है पूरा आपके ट्रैक कर बता देता है कि कौन से कीवर्ड्स जो है आपके आज जो है कल तक टॉप पे थे, यानी कौन सी भी पोजीशन पे थे होंगे उससे नीचे हो गए, तो जो नीचे हो रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है, और जो ऊपर हो रहे हैं तो जो है उनको जो है और ऊपर करना ज़रूरी है, और जिसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है उसको ऊपर लाने की कोशिश करनी है। फिर यहाँ पर जो है क्योंकि हमने जो कीवर्ड्स दिए थे, तीन कीवर्ड्स दिए थे, इन तीनों सर्विसेज पर जो है हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हुई, तो लाजिम बात है यू शुड नो योर बिजनेस फर्स्ट। तो उसी हिसाब से आपका होम पेज होना है, उसी हिसाब से आपकी जो है पोस्ट होना है, उसी हिसाब से जो है आपके कीवर्ड्स को आप ट्रैक करेंगे। SEO एक्सपर्ट इन इंडिया पर जो है मेरा कुछ कंटेंट नहीं है और मैं इस पर रैंक करना चाहूँ तो नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है कि आप कीवर्ड्स देंगे वो कीवर्ड्स देंगे जिस पर आप रैंक होना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए सपोज मैं कैट फनल एक कीवर्ड दे देता हूँ, ठीक है, एंटर, और मैं कह देता हूँ स्टार्ट ट्रैकिंग, और एक्चुअली ये वहाँ से कनेक्ट भी नहीं हुआ ना, तो ये पेंडिंग पर है अपडेटिंग टुडे, तो देख लें इसके ऊपर क्या बात आती है, तो देखेंगे अभी आकर। तो यहाँ एक्सपोर्ट टू CSV भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है थर्ड ऑप्शन है SEO अपॉर्चुनिटीज। तो जैसा हमने डैशबोर्ड पर देखा था कि यहाँ पर जो है ऐसा हॉरिजेंटल लाइन के तौर पर जो है यहाँ बता दिया गया, अब यहाँ पर SEO अपॉर्चुनिटीज पूरे आपको मिलेंगे। यहाँ फिल्टर भी है, आप ऑप्टिमाइज अपने पेजेस को करना चाहें तो इसको क्लिक कर दें तो ये ऑप्टिमाइज बता देगा कि एक ही है पोस्ट अभी ऑप्टिमाइज करने की, और लाजिम बात है सर्च कंसोल अभी कनेक्ट सही से नहीं हुआ है, तो SEO इश्यूज के जो है इतने इश्यूज आपकी वेबसाइट पर हैं, हम हर इशू को डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली क्लासेस में, अगले वीडियोस में, आज हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर न्यू कंटेंट के लिए ड्रिप मार्केटिंग का एक सजेशन है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हमने दिए हैं जैसा डिजिटल दीपक सर ड्रिप मार्केटिंग के एक्सपर्ट है और डीप मार्केटिंग के भी एक्सपर्ट हैं, हर चीज़ में एक्सपर्ट है माशाल्लाह उन्हों, तो यहाँ पर ड्रिप मार्केटिंग। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद है माई वर्क स्पेस, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंटेंट ओपन AI राइटर जो है क्रिएट योर फर्स्ट AI असिस्टेड कंटेंट आउटलाइन टू रैंक फॉर न्यू कीवर्ड्स ऑन योर वेबसाइट। तो माई वर्क स्पेस में जो है सर्च हिस्ट्री कीवर्ड आइडियाज जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। नॉर्मली अब तक हम क्या कीवर्ड ले रहे थे, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, ये तकरीबन जो है ये चीज़ों को सॉरी मैं यहाँ सर्च किया हूँ। देखिए ये एक अहम चीज़ है ना, यू आर SEO टिप ऑफ द डे, डोंट हाइड कंटेंट बिहाइंड एक्सपेंडेबल सेक्शंस मेनूज। तो यहाँ देखिए आपको ऑनलाइन मार्केटिंग 14,800 वॉल्यूम है, और इनका देखिए SEO डिफिकल्टी सबका ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है कीवर्ड आइडियाज आ गए,
माशाल्लाह आ गए, इससे पहले इतने नहीं आते थे, और 7 डे फ्री ट्रायल करेंगे तो और चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो एक्सपोर्ट टू CSV भी आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑल कर लेंगे तो जो है यहाँ पर आपको सजेशंस जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ आ जाएं और यहाँ आ जाएं। फ़िलहाल मैं ये दो चीज़ें नहीं होना है मुझे, तो मैं इनको डिलीट कर दूंगा, मुझे इन तीन चीज़ों से ही बात है। तो 30 जो है आपको कंटेंट आइडियाज़ आ गए। उसके बाद तो माई वर्क स्पेस पर जाइए। अब देखिए ये हिस्ट्री आपको यहाँ पर दे देगा, और कंटेंट आउटलाइन करना चाह रहे हैं तो ओपन AI राइटर, जैसा कि हमने अपनी पिछली पोस्ट पर देखा था। जी भाई, तो यहाँ पर हम AI राइटर में आ जाएंगे। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैं यहाँ कीवर्ड दे दूँ और स्टार्ट कर दूँ, तो जो है डिजिटल मार्केटिंग पर जो है ये 10 प्रूवन डिजिटल मार्केटिंग आपको जो है सजेस्ट, न्यू टाइटल्स भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 7 डेज फ्री ट्रायल लेना पड़ेगा। फिर सपोज़ जो है आप इसको गो थ्रू कर लेना, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में बताया था, यहाँ से आपको मेटा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और आप इसमें थोड़ा एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। फिर आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको जो है उस टॉपिक पर हेडिंग्स मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है इन तमाम टॉपिक्स पर जो है लिखूँ, तो उसके बाद जो है मैं लिखने के लिए कहूँगा, तो AI राइटर जो है वो आपके लिए पूरा आर्टिकल लिख देगा। ये देखिए आपके लिए लिखा जा रहा है, आपने जितने हेडिंग्स सेलेक्ट किए थे उन तमाम हेडिंग्स पर जो है AI राइटर आपके लिए लिख रहा है। लेकिन मैं बता दूं, जैसे पिछली क्लास में मैंने ये बात रखी थी आपके सामने कि आपको इसको गो थ्रू करना पड़ेगा, और इसमें ह्यूमन टच आपको लाना पड़ेगा, आपके तजुर्बे की बुनियाद पर जो है आप इसको एडिट करेंगे, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। और जो है बिल्कुल फ्री वाला जो था उसमें जो है सेव का ऑप्शन नहीं था, यहाँ पर आपको सेव डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, तो आप सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, देखिए माई वर्क स्पेस में जाइए और कंटेंट आउटलाइंस में जाइए, यहाँ पर आपको आपका डॉक्यूमेंट मिल गया, तो इसको एडिट और रिमूव भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एक क्रोम एक्सटेंशन, उबेर सजेस की तरफ से क्रोम एक्सटेंशन आता है, तो जो है आपको 40 to 900 सर्च ए डे बेस्ड ऑन योर उबेर सजेस प्लान जो है वो देता है, तो अगर आप जो है चाहें तो जो है उसको, उस एक्सटेंशन को जो है आप अपने क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ऐड टू क्रोम कर रहा हूँ और ऐड एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर जो है आपका एक्सटेंशन ऐड हो गया है, और मैं गूगल पर सर्च करता हूँ उबेर सजेस्ट, तो देखिए आपका उबेर सजेस्ट का यहाँ एक्सटेंशन आपको दे रहा है, उसके बारे में पूरे जो है रिलेटेड कीवर्ड, सजेशंस, क्वेश्चंस, प्रीपोजिशंस, कंपैरिजंस, ये तमाम चीज़ें तो उसमें आएंगे अपग्रेड में, लेकिन फ्री में जो है आपको ये डेटा यहाँ से मिल जाएगा। आप हाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड प्लान होता है, फ्री का है ना, तो अगर आपका पेड वर्जन है तो आप शो करके रखिए, वरना जो है इसको हाइड कर दीजिए, और जिसके बारे में आप जो सर्च के बारे में आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो वहाँ पर जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। खैर, तो ये तो हो गया इसकी बात। फिर आ जाइए साइट ऑडिट, तो यू फाउंड मोर देन 150 पेजेस ऑन योर वेबसाइट, गूगल रैंक्स साइट्स हायर व्हेन एवरी पेज इज ऑप्टिमाइज, तो अपग्रेड करना उसके लिए पड़ेगा आपको। ये तमाम चीज़ें हमने फ्री अकाउंट में देख रखी है, लेकिन यहाँ पर और डिटेल मिलेगी, तो फिलहाल तो मैं पूरे बस जस्ट ओवरव्यू पर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज हैं, तो लास्ट चीज़ जो है ट्रैफिक एस्टिमेशन, आप यहाँ पर आपका कीवर्ड दे देंगे, गेट ए डिटेल SEO ओवरव्यू ऑफ ए साइट और पेज URL, सपोज मैं देता हूँ allwp.in, तो यहाँ पर जो है 565 कीवर्ड्स है, 249 ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, डोमेन ट्रैफिक जो है बिल्कुल कम है, मैं देता हूँ farhanbajrai.com, प्लीज एंटर ए वर्ड और फ्रेज डोमेन farhanbajrai.com। तो आज का फ्री का कोटा ख़त्म हो गया लॉगिन होने के बाद भी, तो हम क्या करते हैं जो है यहीं पर रुकते हैं। तो देखिए लॉगिन होने के बाद आप प्रोजेक्ट ऐड कर सके हैं, प्रोजेक्ट के बारे में जो डिटेल्स है इंशाल्लाह हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए आप जो है अपने
गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको गूगल सर्च कंसोल में कनेक्ट करना नहीं आता है तो मेरा वीडियो है हाउ टू ऐड प्रॉपर्टी इन गूगल सर्च कंसोल। हर एक SEO एक्सपर्ट को जो है या फ्रेशर को जो है अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करना लाजिम और ज़रूरी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।